हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन से लर्निंग। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे टीचर लोग क्लास में एंटर करें और इंग्लिश में कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे टीचर क्लास में एंटर करें तो क्लास गुड मॉर्निंग से शुरू करें। जो नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी तो टीचर बोलता है, नाउ क्लास आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, अब क्लास मैं हाजिरी लूँगा या लूंगी। अटेंडेंस लेने के बाद नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, इज एवरीबॉडी रेडी टू स्टार्ट, क्या सब लोग तैयार हैं शुरू करने के लिए। जो आज काम किया जाएगा उसके लिए ये शब्द टीचर के द्वारा बोले जाएंगे। नेक्स्ट, सेटल डाउन प्लीज, इसका अर्थ हुआ आप लोग अच्छे से बैठ जाएं, जो खड़े हैं वो अपनी सीट पे बैठ जाएं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, कई बार क्लास में बच्चे शोर करते हैं तो उसके लिए टीचर बोलेगा, वी शुडंट स्टार्ट अंटिल एवरीबॉडी इज क्वाइट, जब तक कि सब चुप नहीं हो जाते हम लोग शुरू नहीं करेंगे। जैसे ही क्लास चुप हो जाए नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, ओके दैट्स इनफ, हाँ अब ठीक है। यदि बार बार कहने पर भी बच्चे चुप नहीं होते हैं तो नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, फिंगर्स ऑन लिप्स, चुप रहो। गुस्से में अध्यापक कहता है, फिंगर्स ऑन लिप्स। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, हैव ऑल यू डन योर होमवर्क, क्या आप सब ने होमवर्क कर लिया है। और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है उनके लिए नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, दोज हु डिडंट स्टैंड अप, जिन्होंने नहीं किया है खड़े हो जाओ। इसके बाद नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, गो आउट ऑफ द क्लास, गुस्से में अध्यापक के द्वारा कहा जाएगा कक्षा के बाहर जाओ, गो आउट ऑफ द क्लास। नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, एंड रेज योर हैंड्स, और अपने हाथों को ऊपर उठाओ, गुस्से में अध्यापक कहेगा। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, चिल्ड्रन टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक्स, इसका अर्थ हुआ बच्चों अपनी अपनी किताबें और कॉपियां निकालो। नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, नोट इट डाउन, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ आप उतारें। नेक्स्ट कन्वर्सेशन होगी, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क, इसका अर्थ होगा अगर समझ नहीं आए तो कृपया पूछ लें। नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो टीचर के द्वारा यूज की जाती है, टुमारो आई विल स्टार्ट विद ए न्यू लेसन, इसका मीनिंग हुआ कल मैं नए पाठ से शुरू करूँगा। नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो अध्यापकों के द्वारा यूज होती है, सो गेट प्रिपेयर्ड एंड कम, इसका अर्थ हुआ अच्छे से तैयारी करके आना, सो गेट प्रिपेयर्ड एंड कम। नेक्स्ट कन्वर्सेशन जो प्राय टीचर्स के द्वारा यूज होती है, आई एम नॉट गोइंग टू हियर एनी एक्सक्यूजेस, जैसे बच्चे बहाने बनाते हैं उसके लिए टीचर कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू हियर एनी एक्सक्यूजेस, मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा या सुनूंगी। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, एग्जाम्स आर विद इन 3 months, इसका अर्थ हुआ परीक्षा 3 महीने के अंदर है, एग्जाम्स आर विद इन 3 months। नेक्स्ट, आई वॉन्ट एवरी वन शुड पास विद गुड मार्क्स, इसका अर्थ हुआ मैं चाहता हूं कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, सो स्टडी फ्रॉम नाउ, इसलिए आज से पढ़ो। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, इट्स गोइंग टू बी अ लंच आफ्टर 3 minutes, जैसे लंच होने वाला होता है तो अध्यापक के द्वारा ऐसा बोला जाता है, जिसका अर्थ है 3 मिनट के बाद लंच होने वाला है। नेक्स्ट, डज एवरीवन हैव देयर लंच बॉक्स, इसका मीनिंग है क्या सबके पास खाने के लिए लंच है। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, चिल्ड्रन फर्स्ट गो एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, इसका मीनिंग है बच्चों पहले जाओ और अपने हाथों को अच्छे से धो लो। नेक्स्ट, क्लीन द टेबल आफ्टर ईटिंग, जैसे बच्चे खाना खाएंगे उसके बाद टेबल के ऊपर जो कुछ पड़ा होगा उसको साफ करने के लिए अध्यापक के द्वारा बोला जाएगा, क्लीन द टेबल आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद मेज साफ कर देना। नेक्स्ट, नाउ क्लास टेक आउट योर डायरीज एंड नोट डाउन योर होमवर्क,
इसका मीनिंग हुआ अब आप लोग अपनी डायरी निकालिए और होमवर्क लिखिए। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, होमवर्क देने के लिए अध्यापक कहेगा रिवाइज चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ्स एंड कम, इसका मीनिंग हुआ गणित का 5वां अध्याय रिवाइज करके आए। नेक्स्ट कन्वर्सेशन, सो क्लास इट्स इनफ फॉर टुडे, इसका मीनिंग हुआ तो क्लास आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर क्लिक करें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।